चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मिल रही है बैतूल से, ये खबर आपको बता दें, जहां पेट्रोल डालकर दंपति को जलाया गया है। तो बैतूल से ये खबर मिल रही है जहां पति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, पेट्रोल डालकर दंपति को जलाया गया। पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसका इलाज जारी है। तो पति की इलाज के दौरान मौत हो गई है, तो वहीं पत्नी की हालत गंभीर है जिसका इलाज जारी है। रुपए लेन देन को लेकर विवाद होना बताया जा रहा है। घर में सो रहे दंपत्ति को तांत्रिक ने जलाया है। तो आरोपी तांत्रिक को हिरासत में ले लिया गया है। सारणी थाने के सालीढाना गांव का ये पूरा मामला है। तो तांत्रिक आरोपी है जिसे हिरासत में ले लिया गया है। घर में सो रहे दंपत्ति को तांत्रिक ने जलाया है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सचिन जैन जुड़ चुके हैं। सचिन, पेट्रोल डालकर दंपत्ति को जलाने का मामला बैतूल से सामने आया है जिसमें तांत्रिक को आरोपी बताया जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जैसा कि मैं बता दूं, साहिनी क्षेत्र का मामला ये तांत्रिक के चक्कर में उन्होंने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डाल दिया गया था, घर की बात को लेकर, और पत्नी अभी गंभीर तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो भोपाल रिफर किया जाएगा, किया जा रहा है। उसका उसके आदमी की मौत हो चुकी है, जिसमें तांत्रिक ने उसको बड़का भुड़का कर, मतलब बोल कर उसने रात में उसको पेट्रोल डाल दिया गया। देखो सचिन, कुछ गंभीर कारण ही रहा होगा कि पति पत्नी दोनों को आग से झुलसा दिया गया, दंपत्ति को जलाया गया जिसमें पति की मौत भी हो गई है। क्या स्पष्ट कारणों का खुलासा हो सका है कि किस कारण से इस घटना को तांत्रिक ने अंजाम दिया? अभी तो अभी तक इसके हुआ नहीं हो पा रही है। पुलिस अभी मौके पर जांच कर रही है और तांत्रिक को थाने में बैठा दिया गया है, इस पर पूछताछ चालू है। जी सचिन, क्या अभी तक पूछताछ में कुछ भी तथ्य सामने आए हैं कि तांत्रिक के साथ साथ इस वारदात में और कौन शामिल था? बताया जा रहा है कि मजियों की इसमें और उसके घर के लोग भी शामिल थे, लेकिन जो बहू है और जो पति है, मतलब दोनों के बीच में कुछ उसमें बातचीत हुई थी। उसके बाद जब तांत्रिक के पास गए थे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन तांत्रिक ने जब उसको बताया कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, उसने तांत्रिक के साथ साथ पेट्रोल डालकर जला दिया गया है। ठीक है सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो पेट्रोल डालकर दंपत्ति को जलाया गया है जिसमें पति के इलाज के दौरान मौत हो गई है और पत्नी की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और आरोपी तांत्रिक जो की आरोपी, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि इस पूरी वारदात का स्पष्ट कारण क्या है।